रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से और इसमें लिम्को ने सहयोग दिया है, जिला जो हमारा सामाजिक अधिकारिता न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसमें जिला कल्याण अधिकारी की तरफ से ज्वाइंटली जो है SDM कुमारवी और DWA बिलासपुर की ज्वाइंटली जो है लिम्को के साथ मिलकर आज यहाँ जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी सहायता के लिए जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ दिए गए, जिसमें व्हील चेयर थी और हियरिंग एड्स थे, जो ब्लाइंड हैं उनके लिए स्टिक्स और दूसरी लोकोमोटिव जो से ग्रस्त हैं डिसेबिलिटी से उनको जो है सपोर्टिंग एड्स दी गई और आर्टिफिशियल लिम्स दिए गए। कुल मिला के करीब 50 लाख रुपए जो है आज के इस कार्यक्रम के ऊपर खर्च किया गया और 275 जो लोग हैं उनको इसकी सहायता मिली और जो जिनको मशीनें दी गई मतलब व्हील चेयर और हैवी इंस्ट्रूमेंट्स सब दिए गए और जैसे स्टिक्स है और 410 को इस तरह के दिए गए जो लाइटर इंस्ट्रूमेंट्स थे। कुल मिला के बड़ा सक्सेसफुल रहा और इस कार्यक्रम के साथ साथ हमारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम भी था, इसके माध्यम से भी करीब 50 से ज़्यादा जो है अर्जियां लोगों की यहां पे आई हैं जिनका जो मौके पर हो सकता है निपटारा कर किया गया है और बाकी को संबंधित विभागों अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए भेजा है। आपने सर एक बात बोली कि आप जो ये जो डिसेबल्स हैं उनके लिए कुछ एक नया कुछ शुरू करने वाले हैं जिसमें शायद सोलन में आपने जिक्र किया। हाँ जी, ये सोलन के कंडा घाट में एक बड़ा इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जो रेजिडेंशियल होगा, जिसमें रहने की खाने पीने की व्यवस्था होगी और साथ में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी ताकि इनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। ये भी समाज की मुख्य धारा में इनको शामिल करने के लिए जो है कदम उठाया गया है। पिछले बजट में जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सुखाश्रय योजना की घोषणा की थी, इसमें जितने हमारे ऑर्फन्स हैं उन सबको उसमें इंक्लूड किया गया था और इस साल जो है ये जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई और इसी के साथ वहीं पर कंडा घाट में ही जो ड्रग एडिक्ट हैं उनके लिए भी हम रिहैबिलिटेशन सेंटर वहाँ पे बना रहे हैं। उसमें सारी हर तरह की सुविधाएं होंगी और खुला उसमें कम्प्लेक्स होगा, अच्छा वातावरण वहाँ पे उनको दिया जाएगा ताकि उसका भी लाभ जो है बच्चों को दोबारा से रिहैबिलिटेट करने में जो है मदद की जा सके।